विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच झारखंड में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। विपक्ष में बैठी बीजेपी की तरफ से चुनाव सह प्रभारी बनाए गए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के दौरे भी लगातार हो रहे हैं। शनिवार को राजधानी रांची पहुंचे हिमंता बिस्वा सरमा ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी और पार्टी के अन्य नेता भी शामिल हुए। इस दौरान हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य की हेमंत सरकार को एक बार फिर आड़े हाथों लिया। बीजेपी नेता ने सोरेन सरकार के 5 लाख नौकरियों और युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के वादे को लेकर सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। असम के मुख्यमंत्री ने बताया कि इसको लेकर भाजयुमो युवा आक्रोश रैली करने जा रही है। वहीं इस दौरान झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हिमंता बिस्वा सरमा ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी इस मसले पर लंबी बातचीत हुई है। हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि झारखंड में सरकार बनाने के बाद बीजेपी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी लड़ाई की तैयारी में है। आप लोगों को सबको याद है कि जब चुनाव प्रचार चल रहा था वो समय झारखंड का मुख्यमंत्री जी ने हमारा युवाओं को वादा किया था कि 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। अगर जब तक नौकरी नहीं मिलते हैं तब तक 5000 और 7000 रुपया भत्ता दिया जाएगा। तो हम लोग तो इंतजार में थे कि आएगा। लेकिन अगस्त महीना अगर समाप्त हो जाते हैं उसका बाद 5 लाख नौकरी भी आने का संभावना खत्म हो जाते हैं और साथ में 5000 और 7000 रुपया भी नहीं आते हैं। 12 महीना 5000 7000 होते हैं, 5 साल में 3 लाख रुपया होते हैं, लेकिन युवाओं को पैसा भी नहीं मिला। तो इसीलिए हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निर्णय किया है कि 23 अगस्त को हम लोग युवा आक्रोश रैली करूँगा। बाबूलाल जी और मैं बैठक में उपस्थित था, हमने इतना ही बोला कि आपने युवा आक्रोश रैली कीजिए, शांतिपूर्ण तरीका से कीजिए और इसी के लिए कीजिए कि आज का बाद कोई भी मुख्यमंत्री जो भी पॉलिटिकल पार्टी से हो झूठा वादा देने का हिम्मत आगे ना करे, नहीं तो इस चुनाव में भी झूठा वादा करने का एक पूरा भरपूर सूची प्रस्तुत हो जाएगा। आज आप देखिए, हमको अगर माँ को 1000 रुपया देना था, 5 साल में से नहीं दे सकता, कम से कम 6 महीना आगे तो देना चाहिए था। आज एक फॉर्म के लिए 200-300 रुपया रिश्वत भी देना पड़ रहा है। कंप्यूटर खराब है, 2-3 दिन काम छोड़ के हमको अपना केंद्र में आना पड़ रहा है, तो खर्चा ही तो 1000 रुपया चला गया। आप कितना पैसा देगा? सितंबर में 1000 रुपया देगा, अक्टूबर में 1000 देगा, नवंबर से तो ये बंद होने वाला है। हाँ ठीक है, आपका सरकार नहीं आने वाला है, अलग बात है, लेकिन 2000 रुपया आप देने वाला है, 1000 रुपया तो लोगों का खर्चा ही हो गया। तो इसीलिए ये जो एक वादा खिलाफी जो एक पूरा चल रहा है उसका खिलाफ हमें आवाज़ उठाना है, लेकिन ये आवाज़ शांतिपूर्ण ढंग से उठे, एक श्रृंखलित व्यवस्था का आधार से उठे। यही बाबूलाल जी और मैंने हमारे युवा मोर्चा का लोगों को सलाह दिया। हर घर तिरंगा का भी कार्यक्रम है, उसका बारे में भी हमारा गुरु प्रकाश जी दिल्ली से आए हैं, कैसे हम लोग को करना है उसका ऊपर भी उन्होंने लोगों को मार्गदर्शन दिया और एक अच्छा माहौल में हमारा सभा हुआ। लोगों का जो उत्साह है वो देख के मुझको इतना ही मैं बोल सकता हूँ, झारखंड का हवा पूरा पलट चुका है। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आप झारखंड का वोटर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोट देखिए, कहीं में 65% से 20% तक 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी आपका जा चुका है लगभग।
कोई पॉलिटिशियन का हिम्मत नहीं होता है कि मेरा केंद्र में जिसका वोट है उसका खिलाफ में आवाज उठाऊं। मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50,000 घुसपैठिया का वोट है, मैं कैसे उनका खिलाफ आवाज उठाता हूं? मैं आवाज नहीं उठा सकता हूं। तो वोट नहीं आना चाहिए वोटर लिस्ट में, तब हमारा आंदोलन हम लोग जारी रह सकता हूं। लेकिन एक बार वोटर लिस्ट में नाम घुस गया तो पॉलिटिशियन भी कहीं ना कहीं सरेंडर कर देते हैं। तो इसीलिए बीजेपी का सरकार बने, हमारा बैठक भी हुआ है पूरा झारखंड टीम का साथ, गृह मंत्री जी भी थे, नड्डा जी भी थे, हम लोग दिल्ली में 3 घंटा बैठे घुसपैठियों का विषय को लेके, और झारखंड में हम घुसपैठियों का खिलाफ एक बड़ा लड़ाई लड़ना जा रहा हूँ। हमारा सरकार आने का साथ साथ हम घुसपैठियों का खिलाफ बड़ा लड़ाई लड़ूंगा, ये हमारा वादा है। देखिए असम को मैं नहीं रख सकता हूँ, मैं बता ही दिया हूँ कारण क्या है। मेरा 40% हो चुका है, और अभी अगर चुनाव हो जाता है, अगर 2021 का होता है, मैं 50% हो जाऊंगा। मेरा दुख इतना ही है, मेरा जन्म 50 में क्यों नहीं हुआ, मैं तब क्यों मुख्यमंत्री नहीं बना। हम लोग लड़ाई लड़ रहा हूँ, हर दिन लड़ाई लड़ता हूँ, और आप लोग जब जाएगा यहाँ का जो बात लोग बोल सकता है, वहाँ जाने से आप लोग देखेगा कैसे हम लोग हर दिन लड़ाई लड़ता हूँ, आमने सामने लड़ाई लड़ता हूँ। कोई कोई और लड़ाई मतलब कोई अलग दिशा भी चला जाता है, फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटता हूँ। इसीलिए 42% लोग होने का बावजूद भी अब असम का लोग बीजेपी का सरकार बना के बैठा हुआ है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in।